आज फिर से जा रहे हैं, देखते हैं आज हो जाए लगभग। क्या खूब बना दिया है ये देखिए दोस्तों। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है 14 मार्च और अभी मॉर्निंग का टाइम है, जस्ट दिन की शुरुआत हुई है अभी। और आज थोड़ा मौसम ठंडा है, थोड़ा रात में शीत ज़्यादा पड़ रहा था, बारिश वारिश की कुछ आशंका थी लेकिन नहीं हुई। बादल है थोड़ा बहुत, धूप भी आज उतना तेज नहीं है अभी मॉर्निंग में, लेकिन दोपहर में हो सकता है। मौसम बहुत ही सुहावना है तो देख सकते हैं, अभी धूप निकल ही रहा है। और इधर आम में बौर बहुत ही शानदार लगे हैं, देख सकते हैं। पूरा इस समय पूरा जो गांव का इलाका है सब महक रहा है बौर से, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पूरा लद गया है गौर से, अब देखते हैं आधी ना आए तो आम भी इसमें बहुत ज़्यादा लगेंगे। ये है गौर और ये फूल, जैसे जैसे धूप हो रहा है अब ये खिलना स्टार्ट हो गया है। देखिए थोड़ा थोड़ा पंखुड़ी सी खुल रही है, धूप जैसे पूरा हो जाएगा तेज तो ये प्रॉपर खुल जाएगा। यहाँ पूजा के लिए फूल तोड़ा गया है, कई टाइप के फूल हैं इसमें अलग अलग। आंवले में भी अब बौर आ गए हैं, फूल ये आ गया है, लेकिन इसमें जो फल आते हैं वो अगस्त में आते हैं। पहले फूल आता है उसके बाद पत्ते होते हैं उसके बाद इसमें फल लगता है। तो फिर इस आंवले में भी पूरा लग गया है फूल। इस बार आंवले में थोड़ा डाल कम है क्योंकि पिछले साल इतना ज़्यादा इसमें फल आ गए थे कि डाल टूट गई थी, तो जो भी अभी बहुत कम डाल इसमें बचे हैं और कुछ तो सूख गए हैं, तो इसलिए इसमें इस साल बहुत ही कम फूल आए हैं। सब गमले में फूल ही फूल लगे हैं अलग अलग। ये येलो रोज है, वो भी येलो रोज है, और ये है गुड़हल का, साथ में है ये यूफोर्बिया, इसका फूल बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम जैसे कई दिन तक टिक जाता है, एक हफ्ते तक ये पूरा गुच्छेदार फूल है इसका। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है गुलदस्ता। और ये कुछ इसको क्रिसमस ट्री कहते हैं लेकिन एक्चुअल में मुझे इसका नेम पता नहीं है। और ये है मैरीगोल्ड गेंदा, ये कुछ दूसरे टाइप का पौधा है जो ठंडी में मैंने लगाया था इसको, अब इसमें फूल आना स्टार्ट हो गए हैं, इसका मुझे नाम नहीं पता। इधर भी यूफोर्बिया ही लगा है यहाँ पे। एक घर मतलब हर कोने में आपको फूल नज़र आ जाएंगे, क्योंकि फूल लगाने का मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब हर बार जब अगर घर आते हैं तो कुछ ना कुछ फूल वगैरह लगा ही देते हैं, देख सकते हैं। मतलब गमले भी हमने अपने घर पे ही बनवाए हैं सब ऑर्डर करके, मतलब बड़े बड़े गमले, जब घर बन रहा था तो जो राजमिस्त्री थे उनसे ऑर्डर करके सारे गमले हमने खुद बनवाए हैं यहीं घर पे ही। तो फूल इसमें अच्छा से हो जाता है, थोड़ा बड़े गमले हैं ऐसा, मतलब मार्केट में उतना बड़ा अवेलेबल नहीं रहता है, और मिलता भी है तो क्वालिटी वो नहीं रहती है, टूट जाते हैं और महंगा भी रहता है, तो सारे गमले हमने घर पे बनवाए हैं। अभी नाश्ता करते हैं और आज का कुछ काम है कि बाउंड्री के बाहर कुछ ये पौधे लगे हैं, फूल लगे हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे खरपतवार उग गए हैं, कांटे उग गए हैं, तो उसको साफ़ करना है। तो अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद उसकी सफाई स्टार्ट होती है। तो ब्लॉग में बने रहें, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। पूरा झाड़ी एकदम हो गया। इतना निकला कूड़ा करकट।
तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा क्लीन हो गया है, इधर सारे खरपतवार निकाल लिया गया है। हाँ तो दोस्तों बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, धूप इतना तेज है और उसको जो है साफ़ कर रहे थे, थोड़ा आज साफ़ सफाई कर रहे थे घर के पास, मतलब बगल वगल में बाउंड्री के आसपास सब बहुत ज़्यादा वो हो गया था, घास हो गया था बहुत बड़े बड़े, तो उसको साफ़ कर रहे थे, धूप बहुत तेज़ था। तो अभी जो है एकदम प्यास बहुत तेज़ लगी है, पानी पी रहे हैं, अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। ना हम पुण्य काम करे चाहे तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं आज फिर से बैंक, क्योंकि कल काम नहीं हो पाया था। और नज़ारा देखिए इधर का, रास्ते में अभी बच्चों का छुट्टी हुआ है स्कूल से, तो पूरा ये बच्चे जा रहे हैं और पूरा इधर इलाका गेहूं का है, गेहूं लगे हैं सब। रोड बहुत ही शानदार बन गया है नया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से, KYC कल हो नहीं पाया था तो आज फिर से जा रहे हैं, देखते हैं आज हो जाए। लगभग 2-3 दिन से हम लोग बैंक का ही चक्कर लगा रहे हैं। 2000 years later। तो गाइस अभी जो है मतलब बैंक का काम हो चुका है और शाम के 5:22 हो चुके हैं, और अभी हम लोग नौगढ़ से निकल गए हैं, जा रहे हैं, और काम हो गया बैंक का, यही बहुत अच्छा हुआ। और मतलब वक्त लगा तो थोड़ा शाम भी हो गया है, अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते हैं, गन्ने के जूस वूस देखेंगे, रास्ते में मिलेगा तो खा लिया जाएगा, पी लिया जाएगा। तो ब्लॉग में बने रहिए, और आजकल लोग जो है देख रहे हैं बट लाइक्स कमेंट ये सब नहीं आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ जो है लाइक कमेंट कर दिया करिए। तो गाइज़ ये देखिए अभी जो है हमने अभी फ्यूल डलवाया है इसमें, और ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, पता नहीं क्या इशू है जो ये फ्यूल वाला जो है, ये उस दिन भी प्रॉब्लम हुई थी कुछ थोड़ा बहुत, अब आज देखिए ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, क्या बताएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैंने फ्यूल डलवाया है 500 कट, और ये देखिए सनसेट हो चुका है, और ये हमारे यहाँ का हाईवे है। ये देखिए हमारे यहाँ एक हेलीकॉप्टर वाला दूल्हा वाला वो मिलता है रथ, ये देखिए दोस्तों, ये मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ, ये देखिए क्या नुमाइश लगी है दोस्तों, ये देखिए देखने वाले भी क्या खूब बना दिया है, ये देखिए दोस्तों। सो हे गाइस वेलकम बैक, अभी रात के हो रहे हैं 10:30 और डिनर खाना हो गया है, और हम लोग अभी सोने ही जा रहे थे। तो अभी आज जो ब्लॉग एडिट किया था, क्योंकि हम लोग गए थे बैंक तो वहाँ से आए लेट हो गया, तो ब्लॉग एडिट नहीं हुआ था, जल्दीबाजी में किसी तरह ब्लॉग एडिट हुआ, तो उसमें एक प्रॉब्लम हो गई कि एक वीडियो के क्लिप में पिच में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, तो आवाज़ मोटा हो गया। अभी जब मैं ब्लॉग अपलोड करके सब कुछ देख रहा था, मतलब 1-2 घंटे हो गए, 8 बजे आ गया था, तो एक क्लिप में आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो अभी फिर से ब्लॉग वो अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी देखिए नेट भी नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो शायद रात में हो जाए। तो फिलहाल ये ब्लॉग
कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, और फेसबुक पे अगर हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।